हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी उपमा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हेल्दी उपमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और हम इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। जैसे हमारी राई चटकने लगे गैस को हम स्लो कर देंगे और हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। और हम इसमें ये मैंने 1 चम्मच चने की दाल ली है, इसको मैंने धो लिया है, इसको डाल देंगे। साथ ही मैंने ये थोड़े से काजू के टुकड़े लिए, ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। ये देखिए हमारी चने की दाल और काजू हल्के ब्राउन हो चुके हैं और हम ये मटर के दाने डाल देंगे। हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसको भी डाल देंगे। गैस को तेज कर लेंगे। अब हमको ये सूजी भूननी है, पर इतनी भूननी है कि सूजी का कलर चेंज ना हो, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है। बस 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। बस हमारी सूजी भून चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से नाप के हम पानी डालेंगे। इसमें हमने 3 कटोरी पानी डाला, 1 कटोरी सूजी ली थी, 3 कटोरी पानी डाला। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। गैस को स्लो मीडियम रखेंगे। काली मिर्च डालेंगे। करीब 1/2 चम्मच इसको मिक्स कर देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और इसको ढककर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसको बीच में चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा उपमा बन चुका है। ये मैंने 1 मिनट में ही चेक कर लिया है, उपमा हमारा रेडी हो। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गए हैं। बस 1 मिनट ही काफ़ी था इसको पकाने के लिए। गैस बंद कर देंगे और इसको आधा मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा उपमा रेडी है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1 बूंद घी डालेंगे और इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसकी उपमा डालेंगे अपने।
हम इसको एक प्लेट पर ऐसे उल्टा करके रख देंगे। ये देखिए हमारा उपमा तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा हेल्दी उपमा। इसको आप ब्रेकफास्ट में हरी चटनी और सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।